हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन टेस्ट के टाइप 4 की, जिसका नाम है बेस्ड ऑन एंगल, कोण पर आधारित। पहला क्वेश्चन है, राज उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। वह अपने दाहिने 90 डिग्री, फिर बाएं 135, फिर दाहिने 45 तथा अंत में बाएं 45 घूम जाता है, तो बताइए अब उसका मुख किस दिशा में है। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें किसी व्यक्ति को एक डायरेक्शन में खड़ा कर दिया गया है, फिर राइट और लेफ्ट उसको एंगल के थ्रू मूव कराना है, जैसे 135 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पहले डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, फिर इसका हम लोग देखेंगे ट्रिकी अप्रोच क्या है। तो जैसे कह रहा है कि राज उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, तो देखिए ये मान लीजिए उत्तर दिशा हो गई और राज इधर की तरफ फेस करके खड़ा है, तो कह रहा है कि वह अपने दाहिने 90 डिग्री घूमता है। तो ऐसे खड़ा है तो राइट हैंड इधर होगा, राइट हैंड का मतलब होता है क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से अगर हम लोग घूमेंगे क्लॉकवाइज कितना, 90 डिग्री, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, ईस्ट पर। अब मान लीजिए वो यहाँ पहुँच गया, फिर कह रहा है कि बाएँ 135 डिग्री, तो यहाँ से आपको बाएं जाना है, तो 135 अगर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया और 45 और, तो यहाँ से 135 आपका पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट में। आप वो मान लीजिए यहाँ पे आ गया नॉर्थ वेस्ट में, फिर कह रहा है दाहिने 45 डिग्री, तो यहाँ से दाहिने 45 अगर मूव करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, नॉर्थ में। अब अंत में कह रहा है कि बाएं 45 डिग्री घूम जाता है, तो यहाँ से बाएं अगर 45 घूमेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में। यानी पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो नॉर्थ वेस्ट आएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन का भी डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति है जो उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, ये उत्तर पूर्व दिशा है, व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, और कह रहा है कि वह दक्षिणावर्त, देखिए दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाहिने, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, दाहिने, राइट हैंड साइड। दक्षिणावर्त का मतलब होता है आपका राइट हैंड साइड, और इसी तरह वामावर्त आपको दिया होगा, ये देखिए वामावर्त दिया है, और वामावर्त का मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा में मुँह करके खड़ा है, ये देखिए खड़ा है उत्तर पूर्व दिशा में, और दक्षिणावर्त दिशा में 135 तथा 90, तो दक्षिणावर्त मतलब दाहिने, यहाँ से अगर हम 135 घुमाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे 90 और फिर 45 और जाएंगे, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 135। फिर कह रहा है 90 और, तो यहाँ से अगर हम 90 अगर मूव कराएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, वेस्ट में पहुँच जाएंगे। और फिर कह रहा है अंत में वामावर्त दिशा में 180, तो यहाँ से वामावर्त दिशा 180, तो बाएं अगर मूव करेंगे तो ये आ गए हम 180 ईस्ट में। फिर कह रहा है कि 90, तो यहाँ से और 90 हमें वामावर्त जाना है, यहाँ से 90 अगर वामावर्त जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, नॉर्थ में। तो उसका मुख की दिशा में दिखाई दे रहा है, नॉर्थ में। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया नॉर्थ, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है और हमें टाइम बिल्कुल शॉर्ट में करना है, फास्ट करना है, तो उसके लिए आइए देखते हैं इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। देखिए इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम दक्षिणावर्त तथा वामावर्त का दो फोल्डर बना लें, मतलब राइट और लेफ्ट का। जैसे मान लीजिए ये राइट का एक फोल्डर हो गया और एक फोल्डर आपका लेफ्ट का हो गया। पहले क्वेश्चन में देखिए राइट में कितना दिया हुआ है, तो ये देखिए राइट में आपका दिया हुआ है 90, तो राइट में अपना 90 लिख लीजिए आप। लेफ्ट में देखिए कितना दिया हुआ है, 135, तो लेफ्ट में 135 रख लीजिए। फिर राइट में कितना दिया हुआ है, 45, तो राइट में फिर 45 लिख लीजिए। और इसके बाद फिर लेफ्ट में कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है, वो लिख लीजिए। अब राइट का राइट में और लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ लीजिए, तो 90-45 अगर जोड़ेंगे तो 135 डिग्री आएगा। इसी तरह 135 और 45 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा।
अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, तो यहाँ देखिए तो बड़ा आपका 180 डिग्री है और छोटा 135 डिग्री है। तो जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटेगा, चाहे मान इधर का बड़ा हो और चाहे मान इधर का बड़ा हो। तो 180 में से अगर हम 135 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। अब इस 45 डिग्री का करना क्या है वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहला काम तो देखिए कि दिशा कौन सा दिया है क्वेश्चन में, तो पता चला दिशा दिया है उत्तर। अब उत्तर से आपको 45 डिग्री घूमना है। सवाल ये उठता है कि घूमना किधर है, तो जिसका भी मान बड़ा होगा उधर साइड में घूमना है। जैसे लेफ्ट का मान बड़ा है 135 और 80 डिग्री में कौन बड़ा होगा, 180 डिग्री, और ये किसका मान है, लेफ्ट का। तो जिधर का मान बड़ा रहे उसी दिशा में जितना आया रहे अंतर उतना, और दी गई दिशा से घूमते हैं। तो दी गई दिशा आपका उत्तर है, घूमना कितना है 45 डिग्री, और किधर घूमना है, लेफ्ट में। तो अगर हम उत्तर से लेफ्ट में 45 घूमेंगे तो कौन सा दिशा आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा, यानी जो आया हुआ था। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन का भी देख लेते हैं। ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। राइट में देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। दक्षिणावर्त का मतलब अभी हमने बताया था कि राइट होता है। राइट में 135 डिग्री और 90 डिग्री दिया हुआ है। तो राइट में आप 135 डिग्री लिख लीजिए और 90 डिग्री लिख लीजिए राइट में ही। इसके बाद फिर वामावर्त का मतलब मैंने बताया लेफ्ट होता है, और 180 डिग्री और 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें लिख लीजिए 180 डिग्री और 90 डिग्री। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 135 डिग्री में 90 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 डिग्री। और इसी तरह इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 270 डिग्री। अब देख लीजिए कि बड़ा कौन है, बड़ा 270 है और छोटा 225 है, तो घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री आ गया। अब आपको करना क्या है, दिशा देखना है कि दिया क्या है। तो पता चला कि दिशा दिया है उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब से कितना घूमना है, 45 डिग्री। मान किसका बड़ा है, यहाँ लेफ्ट का मान फिर से एक बार बड़ा हुआ है, तो फिर लेफ्ट में हम घूमेंगे कितना, 45 डिग्री। तो आपका उत्तर पूरब ये हो गया, लेफ्ट आपका इधर हो गया। तो उत्तर पूरब से लेफ्ट अगर 45 घूमेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, नॉर्थ में, और ये नॉर्थ आपका आंसर हो गया। अगर इस तरह भी सवाल अगर कम समझ में आ रहा हो तो इससे भी फास्ट तरीका है, हम क्वेश्चन में ही कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि राइट और लेफ्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो आइए देखते हैं इसका तीसरा तरीका क्या है, कि कैसे हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट तरीके में क्या है, कुछ करना नहीं है आपको। सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि दिशा क्या दिया है। तो दिशा पता चला हमें, उत्तर दिया हुआ है, और उसके बाद आप राइट और लेफ्ट को कैंसिल करिए। सबसे पहला आपका राइट मिला 90 डिग्री और फिर लेफ्ट मिला 135 डिग्री। ये देखिए राइट का 90 डिग्री लेफ्ट के अगर 135 डिग्री से कैंसिल होगा तो 45 डिग्री यहाँ पे बचेगा। कहाँ पे बचा है, लेफ्ट में 45 डिग्री। अब फिर लेफ्ट से अगर राइट के 45 डिग्री को कैंसिल करेंगे तो यहाँ देखिए कुछ नहीं बचा। अब आगे बढ़ेंगे, आगे दिया हुआ है बाएं 45, जैसे ही ये बचे लास्ट का वैसे ही दी गई दिशा से घूम जाइए। तो अगर उत्तर के बाएं में 45 आप घूमेंगे तो आप देख सकते हैं कि उत्तर के बाएं में 45 होता है नॉर्थ वेस्ट, मतलब हमारा ये डायरेक्ट आंसर आ गया। इसी चीज़ को ये सेकंड क्वेश्चन में भी अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले आपको काम है दी गई दिशा को देखना कि दिशा क्या दिया है। तो पता चला कि उत्तर पूरब दिया है, फिर आप राइट लेफ्ट डायरेक्शन को कैंसिल करिए। देखिए दक्षिणावर्त में 135 और 90 दिया हुआ है और वामावर्त में 180 और 90 दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये 90 लेफ्ट का राइट के 90 से कैंसिल करिए, फिर 180 डिग्री से 135 डिग्री कैंसिल करिए, तो यहाँ पे बचेगा क्या आपका, 45 डिग्री। किस में बचा है, वामावर्त में बचा है। दिशा क्या दिया हुआ था, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब ये हो गया और बायां आपका इधर हो गया। कितना बचा है, 45, तो यहाँ से बाएं 45 घूमेंगे तो नॉर्थ आएगा। ये आपका
आंसर हो गया। तो कुल मिला करके अगर हम देखें बेस्ड ऑन एंगल को तीन तरीकों से सॉल्व कर सकते थे। एक, डायरेक्शन के मैप में जा कर के डिस्क्रिप्टिव वे में घूम जाएँ जितना कह रहा है। दूसरा, हम राइट लेफ्ट का फोल्डर बना लेंगे, राइट का राइट में लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ देंगे और बड़े में से छोटा घटा लेते हैं। जिसका मान बड़ा होता है उसी दिशा में जितना आया रहता है और दी गई दिशा से घूम जाते हैं। और थर्ड तरीका बेहद आसान है और बहुत कम समय का है कि हम उसी क्वेश्चन में ही राइट और लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे, जितना बचेगा दी गई दिशा से उतना ही घूम जाएंगे। थैंक यू।